देवास शहर में कैफे सेंटर पर नाबालिग व किशोर उम्र की युवतियों के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाएं पिछले महीनों से लगातार सामने आ रही है। हाल ही में ताजा घटना विगत दिवस औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आई थी, जिसमें एक युवक द्वारा कोचिंग पढ़ने जा रहे युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसके चलते औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। वही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के आदेश अनुसार दोपहर को औद्योगिक थाना सहित सभी थाना पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में महिला पुलिस के साथ मिलकर शहर के विभिन्न कैफे सेंटरों एवं होटलों की चेकिंग की व संदिग्ध लड़कों लड़कियों की तलाश ली। कैफे संचालकों को कस्टमर के आईडी लेकर रजिस्टर मेंटेन करने हेतु निर्देश दिए गए, जिससे अनैतिक एवं संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लग सके। कस्टमरों से भी पूछताछ की गई, साथ ही चेकिंग के दौरान निर्देशों का पालन नहीं करने पर कस्टमर एवं संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। देखिए, पूरे शहर भर में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने एक मुहिम चलाई है। इसमें जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा हेतु इस तरह के जो कैफ़े खोल रखे हैं, जहाँ पर कैबिन बना रखे हैं या पूर्ण रूप से बंद कैबिन बना रखे हैं और वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, उनके ऊपर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया आज। और उस चेकिंग अभियान में ये पाया कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसमें ना केवल हमने मालिकों को आरोपी बनाया है, बल्कि उनके ऊपर और सख्त कार्रवाई अभी की जाएगी। बिल्कुल, हमने इस चीज़ की पड़ताल की है कि किस काम के लिए उन्होंने इस जगह को लिया था, उस जगह पर क्या गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस चीज़ की पड़ताल की जाएगी कि क्यों इस तरह के बालक बालिकाओं को बिठाकर वो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। इसी तारतम्य में हमने मालिक को आरोपी बनाया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।